गाइज वेलकम टू टुडेज व्लॉग। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ का पहला कॉम्पिटिशन होने वाला है। हम भी एथलीट बनेंगे। मेरा प्रेप बिगिंस टुडे ऑफिशियली। इससे पहले मैं कर रहा था ऐसी मतलब हवा में प्रेप। पीछे मेरा लकी चाम बैठा है, मेरी मम्मी। मम्मी का गला बैठ गया, एंगेजमेंट हुई है ना अभी, मेरी चीख चीख के गला बैठ गया इनका। और यहाँ पे है मेरा मील नंबर वन। हाँ, मम्मी कह रही है हेल्दी मील। और यहाँ पे मम्मी खा रही है चिकन सैंडविच, तो सारे लोग हेल्दी होंगे। और यहाँ पे मेरा मील नंबर वन है, ये है 8 एग वाइट्स और 2 ब्रेड। अब सीन ये है, चैलेंज ये है मेरा अब इस प्रेप में कि मुझे वेट भी गिरना है। मैंने लोअर वेट कैटेगरी में रजिस्टर कर दिया, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन है भाई, तो मुझे 82.5 पे आना है। और अभी मैं 85.5 86 पे घूम रहा हूँ। तो मुझे वेट लॉस भी करना है और अपनी लिफ्ट भी बढ़ाने हैं, तो मजा आ जाएगा। एक मस्त चीज दिखाता हूँ, तो गाइस ये मेरा मील पैक हो रहा है। ताऊजी पैक कर रहे हैं इसे, ताऊजी से बंद कर देना। और यहाँ पे ये 4 ब्रेड और वो चिकन ब्रेस्ट एयर फ्रायर में हो रही है। हाँ रेडी हो गई है लग रहा है। फुल डे ऑफ ईटिंग गोइंग ऑन निकी कपूर का भी। तेरा फुल डे ऑफ ईटिंग है भाई, तेरा फुल डे ऑफ ईटिंग है। पता है क्या कवर किया मैंने? क्या करता है तो पूरे दिन क्या खाता है बता? मैं पीता वे प्रोटीन, ये पीता वे प्रोटीन। आगे रोटीन भी लगा देना, वेब के आगे रोटीन भी लगा दे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं किसी भी प्रोटीन ब्रांड के साथ ऐसे ही अटैच नहीं हो जाता। आई एक्चुअली टॉक टू द ब्रांड फर्स्ट, उनकी पूरी R&D टीम तक चले जाता हूं मैं। उसके बाद जब मेरा मूड करता है उनके साथ कोलैबोरेट करने का, तभी मैं कोलैबोरेट करता हूं। और वो मूड सिर्फ इन तीन चीजों से डिफाइन होता है, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी आती है लैब टेस्ट रिपोर्ट से। तो साइट्रॉन का ये सीन है कि लैबडोर USA में ये टॉप 3 इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स में रैंक होता है। नो बैंड सब्सटेंसेस और इनके प्रोडक्ट लेबल क्लेम्स 100% ट्रू है। और अगर क्वालिटी की बात करो तो भाई पता है ना ग्लैनबिया का नाम, मदर कंपनी ऑफ ऑल गुड सप्लीमेंट ब्रांड्स। सो साइट्रॉन ग्लैनबिया से ही आया, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वे प्रोटीन इन द वर्ल्ड। अब इस मील की खासियत पता क्या है? और ये आवाज सुन रहे हो पीछे, ही मर्फी दही खा रही है। तो अभी ये 190 ग्राम का आधा बचा हुआ है, सो दिस इज अराउंड अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ दही। और इसके 100 ग्राम में 58 कैलोरीज हैं, तो ये 100 ग्राम ही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टाइप का ऐसा फील आ रहा है मेरे को, जैसे लाइक पुडिंग और आइसक्रीम होती है ना। ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है। सो ये है अनार, आम, ओट्स, वे एंड दही। लाजवाब। और पता है बहुत सारे बंदे गलती यही कर देते हैं कि ये जो दही है ना, इसको पहले ही लाइक इसी में ही ओट्स मिला देते हैं। पर अगर आप ये चीज़ एडिशन करो ना मेरे कहने पे, ये देखो ये दही में डुबा के ये बन गई लाजवाब बाइट। भाई मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। लुक हाउ डिलीशियस दिस लुक्स मैन, मज़ा ही आ गया। सो गाइस दिस इज माय नेक्स्ट मील। यहाँ पे मैं ये सारा नहीं खा रहा अभी, मैं ये सिर्फ ये 150 ग्राम्स ऑफ टोटल चिकन है 4 ब्रेड में, तो मैं अभी ये 2 ब्रेड खा रहा हूँ। इसके बाद मुझे वर्ल्ड क्लास मसाज करानी है। यहाँ पे हमारे पास भैया है, इनकी मुझे रिकमेंडेशन बहुत सारे लोगों ने दिया है। भैया आप जहाँ पे जाते हो ना, वो पीछे पड़े थे, कह रहे इन भैया से मालिश कराओ आपकी पूरी बॉडी खोल देंगे। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हुआ आज मालिश कराने के लिए। तो भैया सोच रहे हैं मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं। भैया मैं यूट्यूब पर, मेरा चैनल है तो व्लॉग वगैरह बनाते रहता हूँ, तो वहाँ पर आओगे आप। लेट्स जस्ट हैव दिस एंड गेट अ माइंड ब्लोइंग मसाज डन। सो गाइस मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, इसमें जो बाकी सैंडविच पड़े थे वो खा लिए मैंने। गाइस हमने स्टारबक्स से कॉफी मंगाई थी, वो देखो प्रूफ। और आमंड मिल्क भी हमने डैश इसी में ही दे दिया और ये गरम हो गया है। और ये भी स्टारबक्स का ही है, डाल दे। कितना क्रिंज लग रहा है। दिस इज कैफे अमेरिकानो आमंड मिल्क बेस्ड। गाइस मैं आपको एक बहुत तगड़ा सीन दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अभी अभी यहाँ पर 2 DIY लेक्चर शूट हुए हैं और 2 माइंड ब्लोइंग रील्स शूट हुई हैं।
और ये मेरी मेहंदी देख लो, अभी तक रंग गया नहीं है। निकी देख मेरा प्यार तेरे लिए। यू गाइस नो वी बोथ लव ईच अदर। अब मैं जा रहा हूँ डेडलिफ्ट मारने, वर्कआउट का टाइम हो चुका है, एंड आफ्टर दैट वी गोना चिल। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स फकिंग गो। सो गाइस वी आर एट आवर होम जिम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें चिल भी करना था, जैसा कि मैंने आपको संतुलन के बारे में बताया। तो अभी मैं अपने वर्कआउट को सिर्फ हाय क्या कर रही है वो देखो, हेलो। अभी मैं सिर्फ वर्कआउट को अपने ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ डेडलिफ्ट सेशन करूंगा, मेन सेट और बैक ऑफ सेट्स, बाकी का बैक वर्कआउट कल सुबह बाइसेप्स और कोर के साथ कंबाइन कर लूंगा। लेट्स गो। ग्लूट पॉपिंग, नाइस, वाओ। मैं पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड की ऐश शो ऑफ कर रहा हूँ। ऐश नहीं है भाई, मसल है, मसल ठीक है, मेहनत से उठती है। पहले देखो मैजिक दिखाऊं, बचपन में करते थे ना, ये देखो लिक्विड कितना चिपचिप लग रहा है ना, यकी लग रहा है। अब देखो देखते हैं कि आरपीई कितना आएगा। दिस इज माय फर्स्ट टाइम गाइस, इतना कॉमेडियन पावर लिफ्टर कभी आपने देखा होगा पहले, क्योंकि देखे ऐसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके अंदर से पतली सी आवाज आती है, तो वो फनी लगता है। पूरा व्हाइट हो गया, पूरा डेंस पाउडर बन गया भाई ये। दिस इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, चलो फोकस, कम ऑन, आएंगे बहुत प्यार से, कुछ भी नहीं है कैसा लगेगा दोस्तों। बहुत इजी है, बहुत इजी है, पूरी जान लगा दे, पूरी, बहुत इजी था, मजे, बल्ले 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 बल्ले। और एक बार ना नोट कर लो, ये बंदा इंडिया का पहला फैट टू फिट पावर लिफ्टर है। कोई और है कमेंट में बता दो मुझे, मुझे नहीं पता। अगर नहीं आया ना इस वीडियो में कोई कमेंट, तो मैं तो अपने आप को मार लूंगा। लोग कहेंगे बड़ा क्यूट सा है यार ये। 140 kgs, 10 reps, let's go. Featherweight, wow, 1, 2, 3, four. चल बकचोदी मत कर। Come on, 6, 7, 3 more. बोल मत, एनर्जी लीक होती है। 9. आखिरी रेप, इंडिया का पहला फैट टू फिट पावर लिफ्टर हूं मैं। इंडिया का पहला फैट टू फिट क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि मेरी बॉडी जैसे पानी पकड़ती ना, वैसे तुम स्किनी लोगों की नहीं पकड़ती। तुम लोग जैसे मर्जी वेट लॉस करके आ जाओगे, हल्का सा नहीं भी खाओगे, तुम्हारा वेट ऐसे ही रहेगा। मुझे 24 घंटे की फास्टिंग करके आना पड़ेगा, उसके बाद मैंने हल्का सा कम भी सो लिया ना, खाया भी नहीं कुछ, सो गया कम, मेरा वेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ गाइस ये मेरा लास्ट मील है, और यहाँ पे ये क्रीबिंग एंड क्राइंग, और ये मेरा DIY का नेक्स्ट लेक्चर आउट करने वाला हूँ मैं। सो दिस इज अबाउट इट गाइस, लेट्स हैव इट एंड लेट्स स्लीप। मजा आ गया। आप कहोगे इतनी ब्रेड क्यों खाते, मेरी मर्जी। आप चावल खा लेना, मेरा आज ब्रेड खाने का मन कर रहा, चिकन के साथ मैंने ब्रेड खा ली। आपको मैं तो अपने नेक्स्ट व्लॉग में इस बार फोड़ के रख देंगे, और जो जो लोग बोलते रहते थे ना तूने क्या उखाड़ा लाइफ में, उखाड़ भी खा देंगे। क्यों दिखाऊं, क्यों बताऊं। और यहाँ पर हमारे पास बैठे हैं मिस्टर यश, ये भी चिकन सैंडविच खा रहे हैं हमारे साथ, तो हम ये खाएंगे, ये सारे चले जाएंगे, उसके बाद मैं सोऊंगा। मैं इन दोनों के साथ एक ही बेड पे नहीं सोने वाला, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ना। तो इसलिए इसी के साथ आई वांट योर बेस्ट विशेस गाइस, मेरा प्रेप शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे भाई एथलीट बन जा, तूने क्या उखाड़ा है वो, दिस इज वन स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग एन एथलीट। बाकी देखते हैं, जो उखाड़ा है नहीं उखाड़ा है वो तो सब आपको पता ही है,
बाकी क्या उखड़ेगा वो पता लग जाएगा अगले 20 दिन में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.